हेलो गाइस, सो फाइनली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ कमेंट्स देखे। हाँ, मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, सो आज ही मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो दो लैंग्वेज में अपलोड करूंगा, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप सभी लोगों को सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से पता चल सके। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने की सोच रहे हैं या तो फिर आप कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आपको कोई 5000 पन्ने की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ बुक में से बल्कि सभी अच्छे अच्छे सोर्सेस में से इकट्ठा करके यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप सभी लोगों को सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से पता चल सके। इस सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल्स के लिए मैं ये दोनों बुक्स प्रीफर करता हूँ, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट फॉर गैल्विन एंड मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम टेनेनबॉम। सो अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है और आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक प्रीफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की जनरेशन में हम सभी कहीं ना किसी तरह से कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, स्मार्टफोन से लेके टैबलेट्स एंड लैपटॉप से लेके डेस्कटॉप तक, पर हमें ये मालूम नहीं है कि एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये एक सिंपल सा यूजर इंटरफेस यूज होता है। इसकी वजह से हमारे सभी काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली सिर्फ हमारी उंगलियों पे या तो फिर माउस के एक छोटे से क्लिक पे परफॉर्म हो जाते हैं, पर एक्चुअली ये इतना भी इजी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। अगर इसका अनुमान लगाना हो तो सोच लीजिए कि हम कोई ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो सोचिए कि इसके पीछे कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑनलाइन वीडियो गेम है, सो ये बहुत सारा डेटा नेटवर्क पे ट्रांसमिट और रिसीव कर रहा होगा। इसके साथ साथ ये आपको स्क्रीन पर आउटपुट भी दे रहा है, आपको म्यूजिक की स्पीकर पे सुना रहा है। इसके साथ साथ ये आपके इनपुट्स भी जॉयस्टिक या कीबोर्ड से या माउस में से ले रहा है, और इसके अलावा बहुत सारी बैकग्राउंड प्रोसेस तो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ चल रही होती है हमारे कंप्यूटर में, और इन सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे रिसोर्सेस मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए, जैसे कि सीपीयू या तो फिर रैम, हार्ड ड्राइव और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और ये हार्ड ड्राइव, ये सीपीयू, ये रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड है, राइट? और प्रोसेसेस ये अनलिमिटेड है, बहुत सारी प्रोसेसेस है। तो सभी प्रोसेस एक साथ इन सभी रिसोर्सेस को यूज करना चाहती है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? अगर इसको हम रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो ये एग्जैक्टली हमारे सिटी के ट्रैफिक जैसा है। यहाँ पे सभी व्हीकल्स, सभी लोग एक साथ रास्ते को यूज करना चाहते हैं। अब सोचे कि यहाँ पे कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो इन सभी लोग, सभी व्हीकल्स को कंट्रोल करे, सभी रास्ते को मैनेज करे, ताकि वहां पे ट्रैफिक ना हो, राइट? तो सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में भी हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो सारी प्रोसेसेस को मेंटेन करे, सारे रिसोर्सेस को मैनेज करे, ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी एक साथ उस रिसोर्सेस को एक्सेस कर सके। तो बताइए, इस ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने हमारे रियल लाइफ में क्या सॉल्यूशन निकाला है? ट्रैफिक पुलिस, राइट? तो सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। तो ट्रैफिक पुलिस क्या क्या करता है? पहला काम तो वो सभी कार्स, सभी लोगों को उसकी स्पीड को मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है, कि वो डिसाइड करता है कि कब कौन सी कार, कौन सी लोग कहाँ पे जाएंगे, राइट? तो सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेसेस को मैनेज करता है। वो डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस कब कैसे एग्जीक्यूट होगी। दूसरा काम इस ट्रैफिक पुलिस का क्या है? कि रास्तों को मैनेज करना, ताकि वहां पे ट्रैफिक ना हो, राइट? सो सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर यहाँ पे इस ट्रैफिक पुलिस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि ट्रैफिक
फिर पुलिस खुद से अपना डिसीजन ले सकता है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर वो तो एक मशीन है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? तो ये सिंपली कुछ नहीं बल्कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर खुद बनाते हैं। तो ये कोई इंटेलिजेंट चीज नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है। ओके, तो इस प्रोग्राम के बिना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है। तो उसी वजह से जब भी हम सिस्टम अपग्रेड करते हैं, मतलब कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो हमें एक मैसेज दिखाता है कि प्लीज एंश्योर दैट द बैटरी हैज सफिशियंट चार्ज एटलीस्ट 50%। क्योंकि अगर इस इंस्टॉलेशन टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, हमारा कंप्यूटर बिगड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, मतलब कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर रहा है। अगर इस टाइम के कुछ प्रॉब्लम आया, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन मतलब राइटिंग के टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है। उसी वजह से ये एक छोटा सा मैसेज दिखाता है। तो ये तो सब हो गई थी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर, बट ऑब्वियसली अब ये सब तो अपनी एग्जाम में लिखने वाले नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी थियरीज देख लेते हैं ताकि आप सब कुछ एग्जाम में लिख सके और अच्छे मार्क्स ले सके। सो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि विंडोज, iOS, एंड्रॉयड एंड उबंटू, यूनिक्स एक्सेट्रा। तो आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जैसे मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि एक सिर्फ प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को और प्रोसेसेस को मैनेज करता है। अ प्रोग्राम रनिंग ऑल टाइम इन अ कंप्यूटर इज नोन एज अ कर्नल। इसको कर्नल बोलते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि सभी प्रोसेसेस एक साथ अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो सके। तो ट्रैफिक पुलिस खुद से कुछ नहीं करता, वो ना तो आपकी कार चलाता है ना तो कोई कुछ चेंजेस करता है। आपको जहां जाना है आप वहीं जाने वाले हैं, वो सिर्फ आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि कोई ट्रैफिक ना हो। सो सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो सके। सो इट सिंपली एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिमिलरली जैसे ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करता है व्हीकल्स को, बट अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरमीडियरी यूजर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्यों चाहिए? क्योंकि हमें दो चीजें मालूम है। एक तो हमारा जो भी डेटा, जो भी प्रोग्राम है, वो सब स्टोर होता है इस सेकेंडरी स्टोरेज में, मतलब कि हार्ड ड्राइव में, और हमारा जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो सभी सीपीयू के अंदर हो रहा है। अब सीपीयू को हार्ड ड्राइव के साथ मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज के साथ कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब कि वो कभी भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ रैम को एक्सेस कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास प्रोसेसेस बहुत सारी है और ये रिसोर्सेस मतलब कि रैम और सीपीयू सिर्फ एक ही है, और इन सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए रैम और सीपीयू तो चाहिए ही। तो अनलिमिटेड प्रोसेसेस है और वो सभी इस लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करना चाहते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें बीच में ऐसे इंटरमीडियरी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ एन कंपोनेंट्स ऑफ एन कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के चार कंपोनेंट्स कौन से हैं। एक तो है यूजर, दूसरा है सिस्टम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर्स तो हमें मालूम है हम खुद। अब ये सिस्टम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या है? तो हम जो नोटपैड यूज करते हैं या तो फिर ऑफिस यूज करते हैं या तो फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, वो सभी हमारी सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। और इन सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए, जैसे कि सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन दोनों के बीच में हमें एज ए इंटरमीडियरी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो इन सभी कंपोनेंट्स
कम्युनिकेशन को मैनेज करेगा. नेक्स्ट थिंग इज इन रूल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज, यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू. बेस्ड ऑन द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज सिंपली एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स रिक्वेस्टिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो उसी वजह से जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वो सभी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद हैंडल कर लेता है. हमें सिर्फ लिखना है प्रिंट एफ और स्कैन एफ, बाकी सब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने खुद से हैंडल कर लेगा. मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है एज अ यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. As a systems point of view, it act as a resource manager and manage all the resources, and it will control the execution of multiple programs and prevent the errors, handle the interrupts generated by an IO controllers. So, आज के लिए इतना ही guys. अगर आपको कोई भी problem हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे मेरी contact detail है, आप मुझे contact कर सकते हैं. So थैंक यू गाइस, प्लीज मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू गाइस, बाय बाय.